जब यीशु अपने 12 शिष्यों को निर्देश दे चुके, वो शिक्षा देने और प्रचार के लिए वहां से उनके नगरों में चले गए। बंदी गृह में जब योहन ने मसीह के कामों के विषय में सुना, उन्होंने अपने शिष्यों को यीशु से ये पूछने भेजा, क्या आप वही हैं जिसकी प्रतिज्ञा तथा प्रतीक्षा की हुई है, या हम किसी अन्य का इंतजार करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, जो कुछ तुम देख और सुन रहे हो उसकी सूचना योहन को दे दो। अंधे देख पा रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, कोढ़ के रोगियों को शुद्ध किया जा रहा है, बहरे सुनने लगे हैं, मरे हुए दोबारा जीवित किए जा रहे हैं, तथा कंगालों को सुसमाचार सुनाया जा रहा है। धन्य है वो जिसका विश्वास मुझ पर से नहीं उठता। जब योहन के शिष्य वहां से जा ही रहे थे, यीशु भीड़ से योहन के विषय में कहने लगे, तुम जंगल में क्या देखने गए हुए थे? वायु द्वारा झुलाए हुए सरकंडे को? यदि ये नहीं तो फिर क्या देखने गए थे? कीमती वस्त्र धारण किए हुए किसी व्यक्ति को? जो ऐसे वस्त्र धारण करते हैं उनका निवास तो राजभवनों में होता है। तुम क्यों गए थे? किसी भविष्यद्वक्ता से भेंट करने? हाँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये वो है जो भविष्यद्वक्ता से भी बढ़कर हैं। ये वो हैं जिनके विषय में लिखा गया है, मैं अपना दूत तुम्हारे आगे भेज रहा हूँ, जो तुम्हारे आगे आगे जाकर तुम्हारे लिए मार्ग तैयार करेगा। सच तो ये है कि आज तक जितने भी मनुष्य हुए हैं उनमें से एक भी बपतिस्मा देने वाले योहन से बढ़कर नहीं। फिर भी स्वर्ग राज्य में छोटे से छोटा भी योहन से बढ़कर है। बपतिस्मा देने वाले योहन के समय से लेकर अब तक स्वर्ग राज्य प्रबलता पूर्वक फैल रहा है और आकांक्षी उत्साही व्यक्ति इस पर अधिकार कर रहे हैं। भविष्यद्वक्ताओं तथा व्यवस्था की भविष्यवाणी योहन तक ही थी। यदि तुम इस सच में विश्वास कर सको तो सुनो, योहन ही वो एलिया है जिनका दोबारा आगमन होना था। जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। इस पीढ़ी की तुलना मैं किससे करूं? ये हाट में बैठे हुए उन बालकों के समान हैं जो पुकारते हुए अन्यों से कह रहे हैं, जब हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई तुम ना नाचे, हमने शोक गीत भी गाए फिर भी तुम ना रोए। बपतिस्मा देने वाले योहन ना तो रोटी का सेवन करते थे ना दाखरस का, इसलिए उन्होंने घोषित कर दिया उसमें प्रेत का वास है। मानव पुत्र का खान पान सामान्य है, और उन्होंने घोषित कर दिया, अरे वो तो पेटू और पियक्कड़ है, वो तो चुंगी लेने वालों और अपराधी व्यक्तियों का मित्र है। बुद्धि अपनी संतान द्वारा साबित हुई है। यीशु ने अधिकांश अद्भुत काम इन्हीं नगरों में किए थे, फिर भी इन नगरों ने पश्चाताप नहीं किया था, इसलिए यीशु इन नगरों को धिक्कारने लगे, धिक्कार है तुझ पे कोराजिन, धिक्कार है तुझ पर बैतसैदा, ये ही अद्भुत काम जो तुझ में किए गए हैं, यदि सोर और सीदोन नगरों में किए जाते तो वे विलाप वस्त्र पहन सिर पर राख डाल कब के पश्चाताप कर चुके होते। फिर भी मैं कहता हूँ सुनो, न्याय दिवस पर सोर और सीदोन नगरों का दंड तेरे दंड से अधिक सहने योग्य होगा। और कफरनहूम, तू क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किए जाने की आशा कर रहा है? अरे तुझे तो पाताल में उतार दिया जाएगा, क्योंकि जो अद्भुत काम तुझ में किए गए यदि वे ही सदोम नगर में किए गए होते तो वो आज भी बना होता। फिर भी आज जो मैं कह रहा हूँ उसे याद रख, न्याय दिवस पर सदोम नगर का दंड तेरे दंड से अधिक सहने योग्य होगा। ये वो अवसर था जब यीशु ने इस प्रकार कहा, पिता, स्वर्ग तथा पृथ्वी के प्रभु, मैं आपकी वंदना करता हूँ कि आपने ये सच समझदार और ज्ञानियों से तो गुप्त रखे, किंतु इन्हें मासूम शिशुओं पर प्रकट किया है। सच है पिता, क्योंकि इसी में आपका परम संतोष था। मेरे पिता द्वारा सब कुछ मुझे सौंप दिया गया है। पिता के अलावा कोई पुत्र को नहीं जानता और ना ही कोई पिता को जानता है, सिवाय पुत्र के तथा उनके जिन पर वो प्रकट करना चाहे। तुम सभी जो थके हुए तथा भारी बोझ से दबे हो, मेरे पास आओ, तुम्हें विश्राम मैं दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं दीन और हृदय से नम्र हूं, और तुम्हें मन में विश्राम प्राप्त होगा।
क्योंकि सहज है मेरा जुआ और हल्का है मेरा बोझ।